ये नेचुरल अद्भुत कार्य व्यक्ति तभी करता है, कोई भी जीवन के अंदर अद्भुत कार्य तभी करता है जब उसका एक का क्लियर हो जाता है। जब तक कोई फोकस नहीं होगा जिंदगी पर इंसान डीफोकस्ड होगा, जब तक कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं होगा कोई शॉर्ट टर्म फोकस बिल्ड नहीं हो सकता। ये जो किसी को अगर आज फोकस की चिंता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक हम ले रहे हैं, मेरे पीछे दोहराइएगा, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकः कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। तो अनुवाद में तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकः कुरुनंदना। ये दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है और दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में आते आते अब भगवान ने चर्चा करना शुरू किया है और बात करना शुरू किया है कि माइंड फोकस एब्जॉर्प्शन किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा। क्योंकि जो फोकस है, गोल है, कॉन्सेंट्रेशन है, अर्जुन को जैसे केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी, कॉन्सेंट्रेशन कैन बी कल्टिवेटेड, ये बिल्ड किया जा सकता है। संसारिक लोगों को भी आध्यात्मिक लोगों को भी सबको सफलता इसी बेसिस पे मिलती है कि उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अगर सूर्य की किरणों को सारे स्टूडेंट जानते हैं आज कि अगर उसको मैग्नीफाइड ग्लास के थ्रू एक जगह कॉन्सेंट्रेट करें तो किरणों से आग लग सकती है, लेकिन ओनली एट वन कंडीशन, अगर उसे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। कॉन्सेंट्रेट नहीं किया गया तो वो आग नहीं लगती है। सो एबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अटेंशन टू वन सिंगल टास्क, टू वन सिंगल फोकस, वही से रिजल्ट आता है। सो फोकस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू इररेलेवेंस। जितना फोकस बढ़ता है उतना इररेलेवेंस घटता है, जितना ज्यादा फोकस घटता है उतना ज्यादा इररेलेवेंस बढ़ता है। तो किसी को भी आप देखेंगे जीवन में, उसकी सफलता के लिए एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, हमारी अपने बड़ा बिजनेस कंपनी के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर वेलुमणि, उनकी कंपनी थायरोकेयर उन्होंने अभी अभी सेल करी और बोले कि मेरी हायरिंग के पीछे केवल एक सेंट्रल थीम और फोकस रहता है, वो फोकस होता है। मैं केवल उन्हीं लोगों को हायर करना पसंद करता हूं, उन्हीं इंजीनियर्स को हायर करना पसंद करता हूं जिनका फोकस का क्वालिटी अच्छा होता है। बड़ा रेयर वर्च्यू है ये, और अगर ये डेवलप हो सके तो मेंटल मास्टरी बिल्ड की जा सकती है। सो फोकस जो है ना, फोकस एंड मेजर व्हाट मैटर्स द मोस्ट, इट इज अ गोल्डन स्टेटमेंट। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यानी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फोकस नहीं है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट मैटर्स द मोस्ट, सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जिस दिन वो एजेंडा, जिस दिन वो डायरेक्शन, जिस दिन वो इंपॉर्टेंट एजेंडा आ जाता है, जिसमें वो पर्पस आ जाता है, तो फोकस करना आसान हो जाता है। ये भी समझते हैं कि कौन लोग फोकस कर पाते हैं कौन नहीं कर पाते हैं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन बहु शाखा ही अनंतश्च, अनंत शाखाओं में बुद्धि उसकी विभाजित हो जाती है जिसके पास एक क्लियर पर्पस और डायरेक्शन नहीं रहता है। सो लैक ऑफ डायरेक्शन प्रॉब्लम है, लैक ऑफ फोकस प्रॉब्लम नहीं है। फोकस बाद में आता है, पहले डायरेक्शन आता है। वन मोर टाइम एवरीबॉडी कम ऑन, फोकस बाद में आता है पहले। जिसके पास जितनी अच्छी क्वालिटी का डायरेक्शन है उसके पास उतनी अच्छी क्वालिटी का फोकस है। डायरेक्शन लॉन्ग टर्म होता है, फोकस इमीडिएट होता है। डायरेक्शन दूर तक जाता है, फोकस शॉर्ट टर्म में रहता है। फोकस जो है डे टू डे होता है, डायरेक्शन लॉन्ग टर्म होता है, वो पर्पस से कनेक्टेड होता है। तो जितने लोग वेल डायरेक्टेड होते हैं उनका डे टू डे फोकस भी उतना अच्छा होता है। फोकस बिना डायरेक्शन के लंबा समय टिकता नहीं है जब तक पर्पस नहीं होता है। जैसे कई बार क्या होता है, अगर आप देखेंगे ध्यान से कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उनका लॉन्ग टर्म डायरेक्शन अच्छा था इसीलिए उनकी इमीडिएट क्वालिटी ऑफ फोकस भी अच्छी थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये अपने जीवन में 75 साल तक जिए हैं। इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया है, टेलीफोन का, सबको मालूम है। ग्राहम बेल 75 साल की उम्र में 20 साल उन्होंने पढ़ाई किया और 30 साल एक इन्वेंशन के पीछे लगे रहे, उस एक इनोवेशन के पीछे लगे रहे। वो 30 साल उन्होंने उसमें समय लगाया। इनफैक्ट उस 30 साल के लंबे समय में उनको 50,000 फ्रैंक भी, सरकार ने उनको काफी बड़ी उस समय के हिसाब से धनराशि भी दी थी। 3 डेकेड लगाए उन्होंने, 30 साल लगाए और 50 साल की उम्र में जाकर के वो आविष्कार कर पाए थे। उनको पर वो आविष्कार करने से पहले
वो अपने ऑफिस में आखिरी समय में बहुत समय लगाते थे, बहुत घंटों 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 लगाए रखते। तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम ऑफिस रुक जाते हो, तुम्हारे लिए गैराज में यहाँ क्लीन कर देती है। वो गैराज में रहने लगे और आखिरी का एक साल वो गैराज से अपने घर में नहीं आए। घर में क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं घर आऊंगा फोन साथ में, टेलीफोन साथ में लेकर के ही आऊंगा। ये एक लॉन्ग टर्म फोकस था, एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन था जिससे इमीडिएट फोकस बन पाया। आज एक पृथ्वी की बड़ी समस्या को उन्होंने सुलझाया है। इसमें ये जो बहुशाखा अनंत अनंत डायरेक्शन में जाती है वो आउटकम है ऑफ नॉट हैविंग फोकस। इफ यू हैव टू मेनी फोकस इट सिंपली मींस यू हैव नो फोकस। देखिए सिंगल चॉइस किसी आदमी के पास होना वो 99% हमेशा ज्यादा इफेक्टिव रहता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम सब लोग जानते हैं, ही इज बीन द पीपल्स प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। एपीजे अब्दुल कलाम 32 साल के थे जब उनके रिश्तेदारों ने, उनके घर वालों ने उनकी सगाई तय कर दी थी, पर उस समय वो रॉकेट के उस आविष्कार के पीछे लगे थे जिसके चक्कर में वो काफी ज्यादा डीपली एब्जॉर्ब थे और अपनी एंगेजमेंट में जाना भूल गए थे। और बेचारे उनकी शादी भी नहीं हुई इस चक्कर में। उनसे बाद में किसी ने पूछा आपने शादी नहीं क्यों नहीं करी, बोले मैं भूल गया शादी करना, मुझे याद ही नहीं रहा शादी करना। क्यों नहीं याद रहा? इस शादी का याद, रिश्तों का याद इसीलिए आता है क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है जिसको हम याद करते हो कंटिन्यूसली, कोई फोकस नहीं है कंटिन्यूसली। वेदर मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन, सांसारिक जीवन, पढ़ाई का स्टूडेंट लाइफ, एक ये कौन बिल्ड कर पाता है इसको समझिए आप। इसके लिए शॉर्ट टर्म फोकस भी बिल्ड कैसे होता है? एक लड़की की कहानी मैं आपको बताता हूं, उसका नाम था दिव्या। ये मंदिर रोज जाती थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत सिंसियर थी, रोज स्कूल जाती थी, लेकिन जाने से पहले सुबह मंदिर जरूर जाती थी। और मंदिर जब जाती वहां जाकर खूब अच्छे से मन से पूजा पाठ करती, पर वहां पे आके देखती कि कई औरतें आ रही हैं, पूजा पाठ करने के बजाय सब कुछ कर रही हैं। वो सारे काम कर रही है, चुगली करना अपनी सास की, इधर उधर की बातचीत करना, पूजा पाठ पे ध्यान नहीं लगाना, तरह तरह की बातचीत करना जिसको प्रजल्पा कहा जाता है, मन नहीं लगना उनका पूजा पाठ में। तो रोज देखती उनको। एक दिन पंडित जी के पास गई, बोली संत स्वामी ये मैं अपने आसपास देखती हूँ सारी औरतें आकर के ना पूजा करती, ना पाठ करती, ना ध्यान करती, ना जप करती, ना हरिनाम लेती। इनका सारा यही काम है कि घर की अपनी चर्चा करना, सांसारिक चर्चा करना, अपनी सास की बुराइयां करना। तो जो संत थे वो मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, इसको तो मैं सॉल्व कर दूंगा। कल जो आप पूजा करेंगे उसमें आपको मेरा एक काम करना है। बोले करूंगी। बोले कल जब आओगे आप मंदिर, मंदिर आते वक्त अपनी पूजा की थाली में पानी से भरा भर लबालब एक लोटा लेकर के आना। बोले ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये जो आप 1 किलोमीटर चल के आती हैं उस लोटे में से एक बूंद भी पानी अगर बाहर छलका तो मैं आपकी पूजा नहीं कराऊंगा। तो वो घबरा गई, एक बूंद भी नहीं। बोले एक बूंद भी नहीं छलकना चाहिए, कल तुम्हारे लोटे से पूरा पानी भरा होना चाहिए। तो सोचने लगी कैसे करूंगी। अगले दिन पूरा लोटा भरा, थाली के अंदर रखा, रख के धीरे 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 चलते 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 वो आई और लोटे को देखती रही कि पानी नहीं गिरे, पानी नहीं गिरे। सफल रही मंदिर में पूरी सीढ़ियां धीरे, एक सीढ़ी एक सीढ़ी एक सीढ़ी पे सीढ़ी, सीढ़ी के बाद सीढ़ी, आराम आराम से चल के गई और दिव्या मंदिर के हॉल के अंदर भी आराम से प्रवेश कर गई वहां पे, और प्रवेश करी और पानी का एक बूंद भी नहीं छलका। तो जो संत थे उन्होंने स्वागत किया दिव्या का, बोला पानी छलका? बोली नहीं छलका। तो स्वामी जी ने पूछा आज आपको कितनी औरतें दिखी जो अपनी सास की बुराई कर रही थी? बोले गुरुदेव आज एक भी नहीं दिखी, पूरा ध्यान इस लोटे पे था, तो कोई और कैसे दिखती? बोला यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। बोले यही तो समझा रहा हूं, जब तक कोई फोकस नहीं होगा जिंदगी पर इंसान डीफोकस्ड होगा। स्वामी विवेकानंद इतने पॉपुलर रहे हैं भारतवर्ष के अंदर कि लोग उनको बहुत मानते हैं आज भी, और हम भी उनका सम्मान करते हैं सबके सब, स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद पेड़ के नीचे बैठ के जब पढ़ रहे थे तो वहां से शादी की बारात निकली, खूब बैंड बाजा बजा, आज मेरे यार की शादी है। और पीछे से बाद में एक आदमी अकेला आया, बोला स्वामी जी आपने यहां से बारात निकलते हुए देखी? बोला नहीं देखी, मुझे पता ही नहीं चला। और स्वामी जी जिनके सामने पूरी बारात निकल गई उनको पता नहीं लगा, वो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते रहे। ये फोकस तभी आता है जिस समय, एक दफा तीन दिन के बाद जब स्वामी जी का कमरा खटखटाया तो बेहोश मिले, तो बाद में पता चला कि वो 3 दिन इतना पढ़ते रहे कि वो खाना खाना भूल गए जिसके कारण वो बेहोश हो गए थे। स्वामी विवेकानंद वो डीपली नोन फॉर हिज एब्जॉर्प्शन,
इतना ही नहीं, आइंस्टाइन भी एक बार अपने ये नेचर होता है, ये प्राकृतिक होता है, आहार निद्रा भय मैथुन, इसकी आवश्यकता खत्म तब होती है जब एक लॉन्ग टर्म एब्जॉर्प्शन होता है। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना, आनंद लेना, जीवन में मजा करना, ये नेचुरल इच्छा उसी की आती है। उसी बच्चे को जब उसका एग्जाम चल रहा हो तो उसके बाद उस समय उसको मास्टरबेशन हस्त मैथुन का ख्याल नहीं आता। ये ख्याल तभी आता है जब वो जिंदगी में कमरे में अकेला होता है और उसके पास कोई गोल नहीं होता। जितने भटके हुए लोग हैं, व्यवस्था है आत्म का बुद्धि एक, गिव योर राइट हैंड आउट एवरीबॉडी कम ऑन, एक थ्री टाइम्स लाउडर देन दिस, दिस वॉज गुड बट थ्री टाइम्स लाउडर देन दिस, कम ऑन, एक। जब तक ये एक बिल्ड नहीं होगा तब तक बहुशाखा ही अनंतश्च। अपना आइडेंटिफाई करो एक, गिव मी योर राइट हैंड आउट, बॉडी स्ट्रेच करो, कम ऑन, एक। आज यहां से निर्णय लेके जाना है मेरा एक क्या है। ये हॉल में बैठे हैं, इधर मजा लेने आए थे क्या, यस नो? इधर अपन एक डिसाइड करने आए, मेरी जिंदगी का एक क्या है। व्हाट इज योर, यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ बट यू कैन नॉट अचीव एवरीथिंग इन लाइफ, वन मोर टाइम, कम ऑन, यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ बट यू कैन नॉट अचीव एवरीथिंग इन लाइफ, क्योंकि आपको क्या चाहिएगा, लाउड, कम ऑन। वही सेंट्रल मैसेज श्लोक का है, एक। जितनी भारी मात्रा में आपका एक मजबूत होगा उतना अनंतश्च, अनंत दृष्टि को, अनंत दिशाओं में जो भटकाव है उससे बाहर निकल सकते हैं। आइंस्टाइन एक बार डिनर पे अपने दोस्तों को बुलाए और बढ़िया खूब खाना बनाया, सारे दोस्त बैठे आइंस्टाइन के साथ टेबल पे, आइंस्टाइन खाना खाने लगे और खाना खाते 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 सारे उनकी देख तरफ देख रहे थे और आइंस्टाइन खाना खा रहे थे। सबको समझ में नहीं आया हुआ क्या, आइंस्टाइन पूरा खाना अकेले ही खा गए, पूरा का पूरा टेबल खा गए आइंस्टाइन अकेले बैठे बैठे। और अचानक जब उनके पेट में बहुत दर्द हुआ, पेट पे हाथ रखा, इधर उधर देखा तो सब उन्हें ध्यान से देख रहे, बोले आइंस्टाइन तुमने ये क्या किया, हम में से किसी के लिए कुछ छोड़ा नहीं, सारा खाना तो तुम खा गए। तो आइंस्टाइन इधर उधर देखे, बोले मुझे समझ नहीं आया, मैं गैलीलियो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया के बारे में सोच रहा था और खाना खाता चला गया। इसको बोलते हैं एक, इसके नुकसान भी है, हाथ आगे लाए कमाने, एक। आइंस्टाइन के केस में उसको फायदा हुआ क्योंकि उसको अल्सर की बीमारी हो गई और बाद में उसको इसके कारण जॉन्डिस भी हो गया। डॉक्टर ने बुलाया और उसको बोला तुम 6 महीने तक नॉनवेज नहीं खा सकते, और वो 6 महीने के चक्कर में जिंदगी भर के लिए आइंस्टाइन लाइफ टाइम वेजिटेरियन हो गए थे उसके बाद। ये तक जब तक ये जो ये लोग ना थोड़े अलग होते हैं, इनका नेचर बिहेवियर अलग होता है। ये इलॉन मस्क जब ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं, गाना नहीं सुनते बैठ करके, रील्स नहीं देख रहे मोबाइल में इलॉन मस्क, वो कह रहे मैं टनल्स कैसे बनाऊं कि कोई ट्रैफिक जाम में फंसे नहीं। 47 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने $1 मिलियन पार्टी रखी थी अपने 47वें जन्मदिन के लिए, और उस दिन क्या हुआ, उनके जो रोबोटिक्स में ऑटोमेशन था उसमें कुछ मैल फंक्शन आ गया जिसपे वो काम करते रहे करते रहे करते रहे पूरी दुनिया, उन्होंने $5 मिलियन 45-40 करोड़ रुपए खर्च किए थे बर्थडे पार्टी पे बुलाने के लिए, पूरी दुनिया वहां वेट करती रही, और ये बेचारे 24 घंटे के बाद इनको याद आया कि आज मेरा जन्मदिन था, और ये वहीं कमरे के अंदर काम करते रहे। ये लोग अद्भुत काम करते हैं जिसके पास कुछ लॉन्ग टर्म फोकस होता है। इलॉन मस्क का मानना है कि अगर आपके पास एक फोकस हो और आप उसके पीछे चिपक जाते हो, और जब तक वो काम नहीं खत्म हो जाता तब तक चिपक जाते हो, तो आपके कॉम्पिटिशन में आपके मुकाबले कोई बचता ही नहीं, क्योंकि ये एक क्वालिटी लोगों पास दुनिया में अवेलेबल नहीं है। बचपन में भी इलॉन मस्क इतना एब्जॉर्ब थे कि उनके माता पिता जब उनसे बात करें वो जवाब नहीं देते तो लोग सोचते कि लगता है सुन नहीं पाता, डॉक्टर ने बताया नहीं, ये सुनता है, सब सुनता है, पर ये समझता कुछ ज्यादा और उस समझ में डीप उतरता चला जाता है। अब ब्रूसली, आप ब्रूसली के बारे में नाम सुना है? कम ऑन, हरि बोल। ये सांसारिक उदाहरण है, इस ब्रूसली की एक स्ट्रेंथ थी 1-inch punch, 1-inch punch, इतनी 1 inch के डिस्टेंस पे ब्रूसली 190 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पंच करते थे। ये 1-inch punch, ये 190 मैं नहीं कर सकता, पर ब्रूसली पूरा जीवन इतना फोकस किया इस पे, इतना जब मूवी में भी बैठते थे ना तो डायरेक्टर को बेचारे को बार बार रीटेक लेना पड़ता था क्योंकि कैमरा उस स्पीड को कैच ही नहीं कर पाता था, कैमरा ही नहीं कैच कर पाता। ब्रूसली बोले कि डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन टू मेनी थिंग, वन थिंग विच इज गिवन मी सक्सेस इज फोकस। हाथ अगे लाए, कम ऑन, इतने सारे लोग, कम ऑन लाउडर। आज अपना एक डिसाइड करके जाना है आपको, कुछ नहीं चाहिए मेरे को यहां पे आपसे,
आज कैमरा पे वीडियो में जितने लोग देख रहे हैं, अपना एक ही डिसाइड करिए, क्योंकि लाउडर यू कैन अचीव एनीथिंग बट यू कैन नॉट अचीव एवरीथिंग. You can achieve anything, but you cannot achieve everything. What is your ekah? वही है मेन मुद्दा. इसीलिए ब्रूस ली की वो मेन कहावत सब लोगों ने सुना है कि जो 10,000 अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करता है मुझे उससे डर नहीं लगता, पर जो एक मूव को 10,000 तरह से प्रैक्टिस कर लेता है वो सुपर स्पेशलिस्ट और मास्टर हो जाता है. फोकस इज माई सुपर पावर. लेट द मेन थिंग रिमेन द मेन थिंग. मैं आज भी फोकस बिल्ड करने का इतना प्रयास करता हूं, पर मैंने एक दिन एक इवेंट किया था इस्कॉन के साथ पार्टनरशिप में, बिजनेस योगा फ्रॉम भगवद गीता. देखा था किसी ने? मुझे याद है उस समय में कब सुबह हुई कब रात हुई मुझे पता नहीं चला. मैंने 55 घंटा लगातार उस समय काम करता रहा, खाया नहीं मैंने 55 घंटा कुछ. लेकिन मुझे पहली दफा महसूस हुआ कि मुझे इतनी सी भी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि फोकस जो है ना उसका एक रूल है, या तो फोकस है या दुनिया में सब कुछ है. जब एक बार एक फोकस बिल्ड होता है तो बाकी चीजें आपको तकलीफ देना बंद कर देती हैं, डिस्टर्ब करना बंद कर देती हैं. आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत अपने आप होती चली जाती है. उस समय बिजली भी गई थी मुझे पता नहीं चला, उस समय जनरेटर भी बंद हुआ था मुझे पता नहीं चला, उस समय एसी भी बंद हुआ था मुझे पता नहीं चला. आज अगर एसी बंद होता है, 30 जून को मैंने ये डाला था इवेंट, मुझे याद है पिछले साल, पर 30 जून के दिन उसको मैं आज भी एक्सपीरियंस करता हूं तो भगवान का वो प्रिंसिपल याद आ जाता है कि आपको सफलता तभी मिल सकती है जब ये एक और डिसाइड करना. इधर डिस्कशन के लिए नहीं आए अपन, डिसीजन के लिए आए हैं. ये एब्जॉर्प्शन नेचुरल हो जाता है जब आप पकड़ लेते हो उस एक को. पैब्लो पिकासो बचपन में उसका तब पता चला, उसका एक है जब छोटी दरार आई थी दीवार में, माँ ने कहा बेटा इस दरार को भर देना, इस पे छोटा पेंट कर देना. वो पेंट करते करते उसने पूरी दीवार पेंट कर दी. माँ ने पूछा ये क्या किया, बोला मेरे को ये नेचुरल फ्लेयर है. वो उसका एक है बना और आज भी पिकासो को लेजेंड की तरह लोग याद करते हैं. ये नेचुरल अद्भुत कार्य व्यक्ति तभी करता है. कोई भी जीवन के अंदर अद्भुत कार्य तभी करता है जब उसका एक कहा क्लियर हो जाता है. एडिसन एक बार 72 घंटा काम करते रहे तो उन्हें लोगों ने बोला जाओ जाके रेस्ट कर लो. वो घर गए रेस्ट करने के लिए. 72 घंटा लगातार काम करने के बाद जब रेस्ट करने गए, रास्ते में पार्क में गिर गए थक करके, तो बोला मैं एक घंटा यहीं सो जाता हूं. वो एक घंटा पार्क में सोए और उसके बाद उठ करके फिर से वापस काम करने चले गए. बोला पूरी तरह रिफ्रेश हो गया. ये संसार में या आध्यात्मिक जीवन में, शारीरिक मानसिक सामाजिक किसी जीवन में अद्भुत कार्य व्यक्ति तभी कर पाता है जब उसके पास उसका एक हक क्लियर होता है. आज का यही सेंट्रल मैसेज है. सूरदास जो भगवान के परम अनन्य शुद्ध भक्त थे, एक बार श्रीमती राधा रानी की पायल उनको मिल गई और श्रीमती राधा रानी की पायल लेके जाने लगे. श्रीमती राधा रानी ने उनको दर्शन दिए, अपनी पायल वापस मांगी, बोले मैं आपको देख नहीं सकता, मैं आपको कैसे पहचानूंगा. तो उन्होंने इनफैक्ट भगवान कृष्ण को इंटरवेंशन करना पड़ा कि मैं आकर के आपको दर्शन देता हूं और आपकी आंखें ठीक कर देता हूं. सूरदास की जब आंखें ठीक हुई तो उन्होंने पहली दफा भगवान कृष्ण के दर्शन किए. दर्शन करने के बाद बोले प्रभु अब बस एक ही चीज मैं चाहता हूं, वही मेरी शर्त थी कि आंख देने से पहले एक चीज. बोले क्या? अब आपके दर्शन देने के बाद ये आंखें दोबारा ना बचे, क्योंकि आपको देखने के बाद मैं संसार में कुछ नहीं देखना चाहता. तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है जब उनका भी एक हक क्लियर हो जाता है, ये वो लोग होते हैं जिनका पर्पस क्लियर है. ये वो लोग हैं जो रूथलेस हैं डिस्ट्रैक्शंस को लेकर के. ये वो लोग हैं जिनको वर्क लाइफ बैलेंस सताता नहीं है. ये वो लोग हैं जिनको मल्टीटास्किंग और गॉसिपिंग में मजा आता नहीं है. ये वो लोग हैं जिनको बाहर खड़े होकर के गप मारने में मजा नहीं आता. ये वो लोग हैं जिनको किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए. और जो इनके अलावा लोग हैं उनको थोड़ा सा सफलता मिलता है तो उनका अभिमान बढ़ने लग जाता है. कुबेर एक दफा काफी अभिमान में आ गए थे. उनको लगा 14 भौतिक लोकों में सबसे बड़ा मिलियनेयर बिलियनेयर मैं हूं. ये किधर तुम अडानी की और इलोन मस्क की बातें करते हो, मेरा नाम कुबेर है, हल्के में ले रहे हो मुझको. कुबेर काफी एक्साइटेड थे और कुबेर एक्साइटमेंट में सोचे ये कई लोगों को मेरे बारे में पता नहीं लग रहा, ऐसा करता हूं एक डिनर का अरेंजमेंट करता हूं, एक सेलिब्रेशन का अरेंजमेंट करता हूं. कुबेर चल पड़े. उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन बुलाने से पहले उनके आराध्य देव भगवान शिव उनके घर गए जाकर के कैलाश में. बोले प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ है, बस आपके दर्शन चाहता हूं और चाहता हूं कि ये जो मैंने डिनर अरेंजमेंट किया, एक सेलिब्रेशन पार्टी करी है जिसमें मैं सारे देवी देवताओं को बुला रहा हूं, आप भी जरूर आइए. भगवान शिव बोले मैं वैरागी, मैं किधर जाऊंगा. अंदर से समझ गए थे किस चक्कर में आया है, ये दिखाना चाहता है मेरा धन ऐश्वर्य है, ये दिखाना चाहता है. इसके आगे भी श्लोक भी आएगा अगला, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम. अरे वो कह रहे भगवान को आइडिया लग गया, गड़बड़ आदमी, दिखावे के लिए बुला रहा है मेरे को.
भगवान ने कहा मैं वैरागी किधर जाऊंगा और मैं क्या खा पाऊं, मेरा जो छोटा बेटा है गणपति गणेश अलाउ करो जरा उसको भेज देता हूं, वो मेरी अटेंडेंस लगा के आ जाएगा, हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है, गणेश जी के पास वो शक्ति। बोले प्रभु बहुत अच्छा रहेगा। अब सब देवी देवता पहुंच गए, आराम से बढ़िया डिनर चल रहा, गणेश जी थोड़ा लेट आए जानबूझ के। गणेश जी जैसे ही एंट्री मारे, एंट्री मारते ही बोले बहुत भूख लगी है, भोजन लेकर के आओ। उन्होंने कहा ठीक है आइए आइए, स्वागत है आपका। छप्पन भोग लगा दिया गणेश जी के सामने, भगवान को भोग लगा करके पूरा, थोड़ा भगवान के भक्त भी थे कुबेर, वो फीलिंग वो था उनके अंदर, वो सिंसियरिटी, भोग लगा करके बढ़िया से गणेश जी को खिलाया। गणेश जी के सामने जैसे ही प्लेट आई, नैनो सेकंड के अंदर सारी प्लेट खाली, वो हैरान, बोले और लाओ, तो वो और लेकर के आए, वो गणेश जी अगले सेकंड सब खाली, और लाओ भूख लगी है बहुत। तो कुबेर धनी थे, उनको भी टेंशन नहीं, लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ, और गणेश जी निपटा गए सब कुछ, गणेश जी सब कुछ निपटा गए। कुबेर हैरान होने लगे, गणेश जी बोले टेंशन मत लो, मैं किचन में जा रहा हूं। किचन में चले गए, वहां कट्टे पड़े चावल के दाल के, इतना बड़ा जहां कार्यक्रम सत्संग का हो रहा है, पीछे भी किचन में दाल चावल सब होगा, बलभद्र प्रभु ने अरेंजमेंट किया होगा। तो उधर जब गए वहां पे, तो उन्होंने सारा कच्चा सामग्री भी खा लिया, आटे के कट्टे चावल दाल सब कुछ खत्म कर दिया, गणेश सब कुछ खत्म हो गया। तो वो जो सोने की थालियां थी, चांदी की थाली थी, बर्तन थी, गणेश जी वो भी खा गए। और अभी देखने लगे कुबेर हैरान हो गए, और फिर कुबेर जी को बोले कि भाई मेरे लिए भोजन लाओ, तुम तो कह रहे थे तुम धनी हो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं सामर्थ्य नहीं तो मुझे भोजन पे आमंत्रित क्यों किया। और वहां जाकर के उनको समझ आया कि मुझसे गलती हो गई, भगवान मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा ईगो बढ़ गया था, मुझसे गड़बड़ हो गई, समझ में आ गया मुझको। तो ये जो बहुशाखा बुद्धि है, ये इसीलिए आती है क्योंकि एक नहीं है ये। किसी को अगर आज फोकस की चिंता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, किसी को आज फोकस की समस्या है तो समझिए हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए, ऐसा ये ऐसा जिंदगी इतनी जगह में तभी भटकती है, इतनी अलग अलग दसों दिशाओं में तभी भटकती है, क्योंकि क्या मिसिंग है, वन मोर टाइम, एवरीबॉडी लाउड कम ऑन, स्ट्रेच योर बॉडी, सिट अप स्ट्रेट, स्ट्रेच योर बॉडी लाउडर, कम ऑन। जब तक एक नहीं होगा तब तक बहुशाखा होगा। एंड्रयू कार्नेगी यूएस स्टील कंपनी के मालिक, एक समय दुनिया में सबसे अमीर आदमी थे, 1910-15-20 की बात कर रहा हूं, आज से लगभग 100 साल पहले, एंड्रयू कार्नेगी बहुत कम समय के अंदर बहुत अमीर बने थे। आपने नाम सुना होगा, डेल कार्नेगी नहीं बोल रहा हूं, एंड्रयू कार्नेगी बोल रहा हूं। और एंड्रयू कार्नेगी इतना अमीर हो गए कि अमेरिकन को शक होने लगा है कुछ गड़बड़ करता है, तो यूएस सेनेट्स ने कमिटी बिठाई, सेनेटर्स ने एक कमिटी बिठाई, बोला एंड्रयू कार्नेगी के ऊपर हम ऑडिट डालेंगे, इतना अमीर कैसे हुआ। पूरी टीम ने ऑडिट किया, कार्नेगी से बहुत सवाल पूछे गए, जवाब पूछे गए, और तब जाके समझ में आया कि नहीं ये तो बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत बढ़िया व्यापार किया इसने। तो सबने उनको बुलाया और एक कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे पूछा गया कि तुम इतनी ईमानदारी के साथ इतने कम समय में इतने अमीर कैसे हो गए कार्नेगी। तो कार्नेगी ने एक सिंपल जवाब दिया, बोला ये धन मेरे पास इसलिए आया क्योंकि मेरे पास एक गुण है। लोगों ने पूछा क्या गुण है, बोला मेरा गुण ये है कि मैं एक सब्जेक्ट पे 5 मिनट तक फोकस कर पाता हूं। व्हाट, 5 मिनट? सारे हंसने लगे, बोले हाँ मैं एक सब्जेक्ट पे 5 मिनट तक फोकस कर पाता हूं। सब हैरान हो, 5 मिनट? हंसने लगे वो, बोले 5 मिनट? उन्होंने बोला क्यों, आप में से किसको लगता है 5 मिनट फोकस कर लेंगे? सबने हाथ खड़ा कर दिया मैं कर लूंगा। तो उन्होंने वहीं एक फोकस का टेस्ट लिया और उस ऑडियंस में 450 के 450 लोग फेल हो गए, और तब समझ में आया कि चंचलम ही मना कृष्णा परमा थी बलवद्रिडम, ये मन फोकस नहीं कर पाता, और जिसके पास ये फोकस करना आ गया वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। स्वामी विवेकानंद के तो फोकस के बारे में बहुत सारी बातें। एक दफा उनका वो जर्मन दोस्त पॉल जर्मनी में उनको मिला, बोला मैं आ रहा हूं 1 घंटे में। वो बोले मैं लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ता हूं। एक मोटी सी किताब उन्होंने उठाई, उठा के पढ़ने लगे, पॉल 1/2 घंटे में ही लौट के आ गए बीच में। तो उन्होंने कहा भाई मैं 1/2 घंटे में ही आ गया, मिल लेता हूं। जब स्वामी विवेकानंद के बाजू में आके खड़े हो गए, विवेकानंद पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, और 1/2 घंटा बीता, उन्होंने किताब पूरी पढ़ डाली बंद करी, तो पॉल की तरफ देखा, बोला आई एम रियली सॉरी, आप कब से खड़े? बोला 1/2 घंटे से खड़ा हूं। बोला आपने कहा था 1 घंटे में आएंगे? बोला मैं जल्दी आ गया आपसे मिलने के लिए, लेकिन मैं आपकी सॉरी में विश्वास नहीं रखता, आपने मुझको इग्नोर किया। बोला नहीं सॉरी, सिंसियरली मैंने देखा नहीं आपको। बोला आई डोंट बिलीव योर सॉरी।
बोला ओके इफ यू डोंट बिलीव माय स्टोरी, मैं ध्यान से पढ़ रहा था, ये लो किताब, कोई भी पेज खोल के कुछ भी पूछो। उन्होंने पेज नंबर 212 खोला और पूछा तो उन्होंने बताया कि ये पेज नंबर 211 में ये है, 12 से आपने खोला है, उसके बाद 13 में ये मिलेगा। तो वो हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा कि नॉट ओनली यू फोकस्ड एंड कंप्लीटेड योर बुक, यू ऑल्सो लर्नड एवरीथिंग। जीवन में जो भी व्यक्ति फोकस बिल्ड करना सीख गया ना, सबसे महत्वपूर्ण है एकाग्रता, ये एफिशिएंसी का सबसे बड़ा टूल है। ये एक एक आपको एक आदमी के बारे में बताता हूं, इंडियन लेजेंडरी पर्सनालिटी है ये। ये एक बार ब्रिटेन में ट्रेन में जा रहे थे, लोकल ट्रेन में, तो बहुत से ब्रिटिशर्स बैठे थे, बहुत साल पुरानी बात है, तो सारे अंग्रेज इंडियंस का मजाक उड़ा रहे थे, उस इंडियन का, उस नौजवान का। अच्छा, इतना हंस रहा है उस नौजवान पे, इंडियन नौजवान पे, पर वो नौजवान शांति से बैठा आंख बंद करके मुस्कुराता रहा, और लोग उसका मजाक उड़ाए अंग्रेजी में, बोले लोगों को लगा इसको अंग्रेजी नहीं आती इसलिए इसको बात समझ नहीं आ रही, आंख बंद करके बैठा हुआ है। अचानक उसकी आंख खुली, उस भारतीय नौजवान की आंख खुलते ही जोर से चिल्लाए ट्रेन रोको। सबने इधर उधर देखा, स्टॉप द ट्रेन, उनको लगा इसको अंग्रेजी आती है, स्टॉप द ट्रेन बोल रहा है, और उठ के भागा और फट से ट्रेन की चेन खींच दी। तो लोग चढ़ गए, बोले पागल आदमी ट्रेन की चेन खींच दी। वहां पे ट्रेन का जो मास्टर होता है वो भागा भागा आया, किसने खींची, बोले मैंने खींची। बोले तुमने क्यों खींची ट्रेन की चेन, तुमको मालूम नहीं बिना कारण खींचने पर दंड नहीं है, अपराध है। बोले मालूम है। अच्छा, वो चुपचाप खड़ा हुआ है, लोगों का गुस्सा बढ़ गया, बोले फिर क्यों खींची तुमने। बोले अगर मैं चेन नहीं खींचता तो आज सैकड़ों लोग मारे जाते। तो हंसने लगे, सैकड़ों लोग मारे जाते, कुछ भी बोलता है ये आदमी, क्यों मारे जाते। बोला जहां ये ट्रेन खड़ी है इससे 220 गज आगे जाकर के देखना, वहां ट्रेन की पटरी टूटी हुई है। लोग हैरान हुए, क्या बोलता है ये, ट्रेन से सब वहीं से कोई 50 लोग उतरे और आगे जाकर के गए, 220 गज पैदल गए, ठीक 220 गज के बाद ट्रेन की पटरी टूटी हुई थी। सबकी बुद्धि चकरा गई, भाई तुमको कैसे मालूम कि ये ट्रेन की पटरी टूटी हुई है, एग्जैक्टली वहीं पर टूटी हुई है। तो ये बोले मेरा ध्यान ट्रेन की गति पर था और अचानक ट्रेन की गति डीरेल हुई और आवाज में बदलाव आया, और उस आवाज में, क्योंकि आगे पटरी टूटी हुई थी, उस बदलाव की गति को मैं समझ रहा था। इसको बोलते हैं साउंड रेजोनेंस इफेक्ट, और जिससे मैं ये समझ गया कैलकुलेट करके कि कुछ लोग अपनी बातों में मस्त थे, पर मैं ट्रेन की आवाज सुन करके पहचान गया साउंड रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ फिजिक्स के प्रिंसिपल से कि यहां पटरी टूटी मिलेगी। लोग बहुत हैरान हुए, बोले तुमको साधारण आदमी नहीं लगते, कौन हो तुम। बोले साहब मैं भारत से एक सिविल इंजीनियर हूं और मेरा नाम है मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरिया, और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरिया कौन थे ये, इन्होंने पहली बार भारत के अंदर डैम भी बनाए थे, इन्होंने पहली बार भारत के अंदर, ये भारत रत्न अवार्डी है, और इन्होंने फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम, ब्लॉक सिस्टम, डैम के सिस्टम सारे देश में डेवलप किए थे। ये सारी असाधारण क्वालिटीज देने के लिए ही भगवत गीता हमारे को भगवान ने हमारे हाथ में दी है। इसलिए मैं बोलता हूं दुनिया में जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ लेता है उसको उसके बाद कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, और यही है भगवत गीता के आज के श्लोक का प्रिंसिपल, गीता इन एक्शन। गिव मी योर हैंड्स आउट एवरीबॉडी गाइस, कम ऑन, गीता इन एक्शन, नो एवरीबॉडी लाउड, कम ऑन, गीता इन एक्शन। गीता को जीवन में कैसे उतारें, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं लोगों को मैसेज दे सकूं, और ज्यादा कुछ नहीं, मेरी सीमित बुद्धि से मैं इस असीमित ग्रंथ को लोगों तक रोज पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मेरी लाइफ का एजेंडा है गीता समझा सकूं या ना समझा सकूं, पर आपके दिल के अंदर गीता के प्रति कुछ अटैचमेंट जरूर बिल्ड कर दूंगा। और ये था हमारा दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, जिसका एक ही सेंट्रल मैसेज, एक वन मोर टाइम, कम ऑन। इसीलिए सबको याद दिलाता हूं गीता इन एक्शन सीरीज के सारे वीडियोस उनको देखने चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर वन एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत हरे कृष्णा।